अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो अंदर हम एलोवेरा पे बात करेंगे, जो मेरे इस जगह पे नहीं पड़े हुए हैं, वो मैंने बाहर रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक प्लांट था, तो ये देखें, आज से मैं तकरीबन 5 साल पहले एक पौधा लेके आया था और ये मेरे पास अनगिनत प्लांट्स हैं और इतने मैंने लोगों को दिए हैं, बांटे हैं, पर फिर भी ये मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट है। इसकी हम कंप्लीट केयर पे बात करते हैं, इसको सॉइल कैसी देनी है, आपने इसको धूप कितनी देनी है, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है और पानी कितना देना है। तो ये देखें आप, कितने पब्स निकले हुए हैं, भरा पड़ा है। ये 12 इंच का जो पोट है, क्ले पोट्स हैं 12 इंच के, ये भरे हुए हैं पब से और बीच में मदर प्लांट भी बीच में ही है। और इसको मैंने कटिंग से भी ग्रो किया था, ये देखें, ये इसके ऊपर से मैंने यहाँ से इसको कट किया। ये देखें, ये एक पब निकल आया, एक ये दो ये पीछे निकल आए हैं। तो इसको मैंने सिंपल ऊपर से कट करके तो इसके अंदर लगा दिया था, इस पोट अंदर। ये भी 12 इंच का पोट है, तो ये देखें ग्रीन हो रहा है, तकरीबन ये ग्रीन हो गया। इसकी काफ़ी बुरी हालत थी पर ये अब बिल्कुल ग्रीन हो गया, इसने अपनी रूटिंग भी शुरू कर ली होगी। अगर स्पेस की बात कर ली जाए, इसे आप कम से कम 12 इंच का पोट दें, उसके अंदर आप अपने एक प्लांट को लगा दें, तो वो इंशाल्लाह वो 2-3 माह में आपको काफ़ी ज़्यादा आपके जो पब्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये कि आपने इसको आप 1-2 घंटे की सनलाइट भी इसे दे सकते हैं और बिल्कुल शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इधर 3-4 घंटे की धूप आती है, जिस वजह से ये थोड़े से इसके जो कॉर्नर्स हैं लीव्स के, वो थोड़े से ब्राउन है। नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप इसे 2-3 घंटे की सनलाइट भी मिल जाए, कोई इशू नहीं है। 2 घंटे की धूप भी मिल जाए, 1 घंटे की भी मिल जाए, बेहतरीन है। और ना भी मिले, शेडी एरिया में भी आप रखें तो ये बेहतरीन चलते हैं। तो लोग बार बार एलोवेरा लेके आते हैं, चलता नहीं है, सही तरह ग्रोथ नहीं करता है। ये आपके सामने है, ये मेरे पास तकरीबन 3 जो इस टाइम पोट्स हैं वो भरे हुए हैं और इसके अंदर से कम मेरे 20-25 जो एक पोट अंदर से मेरे जो पब्स हैं वो निकल आएंगे, ज़्यादा 10-15 तो पब्स निकल आएंगे। जब सोइल आपको फील हो ऊपर वाली ड्राई होगी है, तब ही आपने पानी देना है, ज़्यादा बार बार आपने पानी इसे नहीं देना। ऐसे आप साइड पे करें 1 इंच सोइल, उसके नीचे देखें अगर पानी है या ड्राई है तो ही आप पानी दें। अगर तो ड्राई है ऊपर से काफ़ी सॉइल, तो आप इसे पानी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसे पानी मत दें। ज़्यादा पानी लगेगा उससे आपका प्लांट जो है वो गलना शुरू हो जाएगा, तो देखते ही देखते आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें पानी नॉर्मल लगाएं, ज़्यादा पानी ना लगाएं और बहुत कम भी ना लगाएं, क्योंकि इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसको इतने लीटर आपने पानी देना है या इतना पानी देना है, इतना कम देना है। आपने खुद अपने प्लांट को देख के जज करना है कि इसको आप पानी की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि हर प्लांट एक अलग जगह पे पड़ा होगा। अब मेरे प्लांट इधर पड़े हैं, आपका शेडी एरिया में पड़ा है, उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। फुल सनलाइट में पड़ा है, उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपने खुद जज करना है आपका प्लांट को कितना पानी नीड है उसकी, आप उसी हिसाब से उसे पानी देंगे। और दूसरा, अगर हम बात करें इसकी फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र जो है वो आप इसे काउडंग कंपोस्ट जो है गाय का जो गोबर होता है, गोबर की खाद जिसे हम कहते हैं, पानी अंदर डाल के लिक्विड बना के आप वो भी दे सकते हैं। डायरेक्ट भी आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, तकरीबन 1 महीने में 1 दफ़ा आप 1 मुट्ठी भर के 12 इंच के पोट अंदर आप डाल सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र की भी बात होगी, वाटर की भी बात होगी। इसके अलावा जो आपने इसके पब्स सेपरेट करने हैं, वो मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, सिंपल आप जो पब्स है उसको कट करके सेपरेट लगा सकते हैं। अगर तो आपको एक ही प्लांट बुशी चाहिए, बड़े लीव्स चाहिए, जैसे ये है या ये है, तो इसके आप लीव्स देखें कितने बड़े बड़े हैं, ये देखें, ये मेरा हाथ है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि
तो आपने कोशिश ये कर दी है कि आपका जो प्लाट है वो सिंगल लगा रहे हैं, उसके जो पब्स हैं वो आप टाइम से ही सेपरेट करके अलग लगाते जाए, तो जो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं और जितनी ग्रोथ है वो जो आपका मदर प्लांट होगा उसको मिलेगी, वो अपने आप को अच्छे से बढ़ाएगा और खुद की ग्रोथ पे फोकस करेगा, ना कि नीचे से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके ऊपर फोकस करेगा। अब मैं ये मेरे पास इधर प्लांट लगा हुआ है, ये देखें आप, ये प्याले में लगा हुआ है, तो ये देखें इसकी ग्रोथ, ये एक ही प्लांट था तो इसकी आप ग्रोथ देखें, इसके अंदर ढेरों एलोवेरा के प्लांट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं इसके अंदर और पब्स हैं, ये भरा हुआ है आपके सामने। इसकी ग्रोथ देखें आप, कितनी लश ग्रीन चल रही है। तो इसके हाल पे छोड़ दें, एक जगह पे रखें आप जहाँ पे एक आधे घंटे की सनलाइट आती हो, नहीं तो आप इसको शेडी एरिया में भी बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत अच्छे से चलता है। सॉइल अंदर ही आप इसकी जो फर्टिलाइज़र है वो ऐड कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट, उसको मिक्सचर बना के तीन हिस्से मिट्टी, एक हिस्सा काउडंग कंपोस्ट और एक हिस्सा आप जो पत्तों की खाद है वो लेके मिक्स करके इसको लगा दें, शेडी एरिया में रखें, सिंपल इसको इसके हाल पे छोड़ दें, जब ज़रूरत हो इसको आप पानी दे दें, कोई इसके अलावा केयर नहीं है, इसको ये करना है वो करना है, ये वाला फर्टिलाइज़र अच्छा है या वो वाला फर्टिलाइज़र अच्छा है, कोई इसको ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, बहुत अच्छे से चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसको मैं सेपरेट करूँगा, उस पर बनाऊँगा, ये मैं सारा सेपरेट करके अलग अलग पोर्ट अंदर लगाऊँगा। तो इसको कम से कम जो पोर्ट है वो आप 12 इंच का पोर्ट दें, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी इसकी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।